हेलो फ्रेंड, क्या आप भी एक कर पर यूट्यूब शूट स्टैंड बनाना चाहते हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में यही करेंगे कि यूट्यूब स्टैंड कर पर कैसे बनाया जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आप देख रहे हैं कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उसी स्टैंड से की गई है जो मैं आपको इस वीडियो में बना कर दिखाऊँगा। सो अधूरा ज्ञान हमेशा ही हानिकारक होता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी पूरी नॉलेज और समझ आ सके कि ये कैसे बनेगा और इसके क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या नहीं। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको YouTube हेल्प और लाइक शेयर और कमेंट भी कमेंट में आपको बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड, हम ये काम एक सोल्डर आयरन से करने वाले हैं। तो हमने इसको गर्म कर लिया है। अब हमें इससे के साथ लेना है एक बोतल और ये मैंने ले लिया है। अब इससे इस तरह से एक लंबा सा छेद करना है। सो आप देख सकते हैं कि छेद हो चुका है। अब हमें इससे सीधा नीचे तक एक निशान दे देना है और फिर से हमें दूसरी साइड में इस तरह से उतना ही लंबा एक छेद कर देना है। और अभी मैं इसको सेट कर रहा हूँ। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नार प्रेस वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो इस तरह से ये फिट हो चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी अड़चन है तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। अभी मैं इसे सेट कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो इस तरह से मैं सेट कर लिया हूँ। अभी इसके बीच में से देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये बन चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सी कमियां हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अभी हम पहली कमी जो ये है, जब हम इससे के बीच में लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, इसलिए हम इसमें कुछ बीकर डाल रहे हैं जिससे हम वेट नीचे बना रहे और ये नीचे की तरफ गिरे मत। सो इस तरीके से मैंने एक एक करके मैं ये सब डाल रहा हूँ। सो ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं देखता हूँ। सो देख सकते हैं कि ये अब सेट हो चुका है, बिल्कुल नीचे भी नहीं गिर रहा है कि नीचे हमने वेट ला दिया है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी ये वीडियो मिलती रहे। अभी इसमें दूसरी कमी या सावधानी ये बरतनी है कि आपने इसका एक हिस्सा ले लेना है और उसे इस तरीके से छेद कर देना है। सो फ्रेंड, अभी ये कंप्लीट होने ही वाला है। सो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकूं। सो ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस तरीके से इसका आगे का हिस्सा निकाल दिया है ताकि आपको फ्रंट कैमरा, अगर फ्रंट कैमरे से आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको अपनी फ़ोटो दिखे, और ये बैक कैमरे में भी काम करेगा और फ्रंट कैमरे में, दोनों कैमरे में ये काम करेगा, इसलिए मैंने इसका अगला का हिस्सा निकाल दिया है। अभी इसे पूरी तरह से सेट कर लीजिए ताकि ये देखने में बहुत अच्छा लगे, चारों तरफ से बराबर बराबर इस
लाइन में कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपको सो देख सकते हैं, इसके बाद आपको एक कैंची लेनी है। कैंची की मदद से आपको सारा जो रबड़ पिघला हो उससे निकाल देना है और साफ़ कर लेना है। अब हम इसे मोबाइल फिट करते हैं, सो देख सकते हैं कि आप कैमरे में देखेंगे तो आपकी फ़ोटो फ्रंट कैमरे में चलाकर भी दिखेगी और बैक कैमरे में भी। आपको यहाँ से इतना छेद कर लेना है, आप जो मोबाइल इसमें फिट करना चाहते हैं उससे बड़ा छेद कर लीजिए ताकि और मोबाइल भी लग सके। तो मेरे पास यही ख़राब मोबाइल थी जिससे मैं वीडियो में दिखा रहा था, लेकिन जिससे ये वीडियो बन रही है वो इससे बड़ी मोबाइल है। सो मैं उसको इससे फिट करूँगा।